मैं रेनू मौर्या, कलेक्टर कॉलोनी म्युनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल से आज आप लोगों को ठोस कचरा व्यवस्थापन इस टॉपिक पर कुछ जानकारी देना चाहूंगी। ठोस कचरा व्यवस्थापन ये आपके साइंस 2 का 9 चैप्टर है, जिसका एक छोटा सा टॉपिक है ठोस कचरा व्यवस्थापन। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ बेकार वस्तुएं हैं या फिर कुछ कचरा है, अनुपयोगी पदार्थ है जिसका हमें व्यवस्थापन करना है। ये व्यवस्थापन जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ठोस कचरा किसे कहते हैं और इसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए और आज के समय में यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। समय की मांग और वर्गीकरण, इस टॉपिक में हम ठोस कचरा व्यवस्थापन, यह समय की मांग क्यों है, ये आज की समस्या इतनी बड़ी क्यों हुई है, इसके बारे में जानेंगे। और जो कचरा निकल रहा है, ये ठोस कचरा, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए, किन शीर्षकों के अंदर में किया जाए और इसका हम आगे फ्यूचर में क्या उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। आपको आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें हमें ढेर सारे कचरे दिखाई दे रहे हैं। ठोस कचरा ये शब्द हमारे मस्तिष्क में आते से ही यह पिक्चर हमें दिख जाना चाहिए कि ठोस कचरा होता क्या है। सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो डेली हम हमारे घर से शुरुआत होती है और पूरे शहर के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के कचरे उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि रास्तों पर ढेर सारे कचरे फैले हुए हैं। यह स्थान बहुत ही गंदा दिख रहा है, प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो रही है और इसे देखकर यह भी पता चल रहा है कि बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं अगर इस कचरे को इसी तरह हम छोड़ दें तब। कचरा शब्द से हमें यह पता चलता है कि यह एक प्रदूषण। ठोस कचरा भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। प्रदूषण के बारे में हम जानेंगे। प्रदूषण का अर्थ है वे अनुपयोगी पदार्थ जो पर्यावरण और जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं, पर्यावरण में दूषक पदार्थों का प्रवेश करवाते हैं और प्राकृतिक असंतुलन का निर्माण होता है। हमारी जो प्रकृति है, यहाँ पर जितने भी कचरा जो भी पिक्चर में हमने देखा है वो सब मानव निर्मित कचरे हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित कचरा यह नहीं है, इसीलिए इसका व्यवस्थापन बहुत ही जरूरी है। ठोस कचरा मानव की प्रतिदिन की विविध कृतियों में अनेक निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं जिन्हें हम ठोस कचरा कहते हैं। हम महानगर में रहते हैं, कुछ महानगरों का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है जिसमें प्रतिदिन वहां पर कितना ठोस कचरा निर्मित हो रहा है वह दिया गया है। मुंबई में प्रतिदिन लगभग 5000 टन कचरा निर्मित किया जाता है, पुणे में लगभग 1700 टन, नागपुर में लगभग 900 टन। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर इसे इसी प्रकार छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों बाद हमें रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, सारे जगह पर कचरा ही कचरा होगा और उनसे जो बीमारियां निर्मित होंगी वो बेहिसाब होंगी। इस ठोस कचरे के कारण जो परिणाम हमें सामने आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं, उन सब में महत्वपूर्ण है कि पानी और जमीन दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। ठोस कचरा आर्थिक विकास, पर्यावरण क्षति और आरोग्य समस्या की दृष्टि से एक गंभीर समस्या है। इसके कारण हवा, पानी व जमीन प्रदूषित हो रहे हैं तथा प्रकृति व मानव अधिवास के लिए बड़ा संकट निर्माण हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 5000 टन यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर इसका व्यवस्थापन ठीक से ना किया गया तो मानव के अधिवास के लिए, मतलब हमारे रहने के लिए, बहुत बड़ा संकट निर्माण हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को पता है, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ के आसपास बहुत बड़े बड़े कूड़ेदान होंगे और रास्ते पर भी ढेर सारे कचरे फेंक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सभी को
तकलीफें होती रहती है। आपके स्क्रीन पर ये जो डेटा दिया हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस परिणाम से तो हम अवगत हो गए कि जो ये ठोस कचरा है अगर इसे इसी तरह छोड़ दिया जाए तो हमें आगे बहुत ही समस्या आएंगी। हमारे देश में ढेर सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, हम बहुत बार पिक्चर बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, क्लीन मुंबई, ग्रीन मुंबई, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी चला रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि आजकल रेलवे स्टेशन हो या फिर कहीं पर भी जो भी दीवार खाली दिखाई देती है वहां पर एक पेंटिंग किया हुआ होता है, वहां पर दिखाया जाता है कि कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, डस्टबिन बने हुए होते हैं, लोग उसमें कचरा डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीजें क्यों की जा रही है? ताकि हम अपने आदतों में सुधार लाएं, कचरा करने की मात्रा कम करने की आदत डालें और उचित तकनीक का उपयोग करके कम कचरा उत्पन्न करें और कचरे से हम कुछ अलग चीजें बनाएं जो हम यूज कर सके अपने दैनिक जीवन में, उसका इस्तेमाल कर सके। पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण, पृथक्करण। पृथक्करण के बारे में हम आज जानने वाले हैं। पुनः उपयोग, पुनः चक्रण ये आपको अलग क्लास में पढ़ाया जाएगा। जो कार्बनिक कचरा निकलता है, कार्बनिक मतलब वह कचरा जो आसानी से विघटित हो सकता है, इसका हम उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो ठोस कचरा निर्मित हो रहा है इसका वर्गीकरण हम किस प्रकार करें। यहाँ पर कुछ शीर्षक दिए गए हैं, इन शीर्षकों के अंडर में कुछ स्रोत दिए गए हैं जहां से हमें ये पता चलता है कि कहाँ से कौन सा कचरा निर्मित हो रहा है। घर का कचरा, औद्योगिक कचरा, धोखादायक कचरा, खेतों बगीचों का कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैव वैद्यकीय कचरा, शहर या नगर का कचरा, आण्विक कचरा और खनिज कचरा। इन सब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कौन से स्थान से किस प्रकार का कचरा निकल सकता है या फिर निकलता होगा। शुरुआत करते हैं हम अपने घर से। घरेलू कचरा, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में भोजन बच जाता है, बच्चे पेपर खराब करते रहते हैं, खराब कचरे कागज निकलता है, प्लास्टिक की थैलियां जो हम सब्जियां खरीदते हैं या फिर चिप्स वगैरह खाते हैं, चॉकलेट के रैपर्स होते हैं, ये सब निकलते हैं, सब्जियों के डंठल, फलों के छिलके, पत्रे की वस्तुएं, कांच की वस्तुएं इत्यादि, हर दिन हमारे घर से ये सारे अनुपयोगी वस्तुएं निकलती रहती हैं। हम अपने घर से इसे निकालकर बाहर जो बीएमसी वगैरह का कूड़ादान होता है उसमें हम डाल देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये अधिक देर तक हमारे घर में रहा तो इससे हमें बीमारी हो सकती है, दुर्गंध फैल सकती है, इससे जो निकलने वाली बैक्टीरिया या फिर वायरस है ये हवा में घुलकर हमें तकलीफ दे सकते हैं और हम इसे बाहर फेंक देते हैं। औद्योगिक कचरा मतलब उद्योग धंधों से निकलने वाले कचरे, इसमें मुख्यतः कारखाने हैं, मिले हैं, खनन प्रकल्प है जहां से एक्टिविटी जो वहां पर की जाती है उस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे बेकार पदार्थ सामग्रियां निकलती हैं जिसे हम औद्योगिक कचरा कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि औद्योगिक कचरे में क्या क्या निकल सकता है इन उद्योग धंधों से। सॉल्वेंट्स है, सॉल्वेंट्स मतलब तरल पदार्थ होता है जो हम कारखानों में इस्तेमाल करते हैं, रंग द्रव्य, कलरिंग एजेंट्स, कीचड़, धातु, राख, पेंट, सैंड पेपर, पेपर, रेडियोधर्मी अवशिष्ट, तलछट, ये सारी चीजें हम औद्योगिक कचरों में गिनते हैं। धोखादायक कचरा, इसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रकृति में बहुत अधिक समय तक रह जाता है और हमें जेनेटिक लेवल तक जाकर तकलीफ दे सकता है। हमें सभी को पता है कि परमाणु बम के बारे में हम सभी जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था जिससे
जो तत्व थे उसमें वो रेडियो सक्रिय तत्व थे, जिसके कारण वहां के व्यक्ति जो आने वाली पीढ़ियां हैं सभी को जन्मजात बीमारियां हैं, जैसे कोई लंगड़ा है, कोई लूला हो जा रहा है, किसी की आंखों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर वो मानसिक रूप से बीमार होता है। इसीलिए धोखादायक जो कचरा है इसका व्यवस्थापन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्फोटक, रोग प्रसारक पदार्थ, इन सब चीजों को धोखादायक कचरा में गिना जाता है। खेतों और बगीचों का कचरा, ये सड़ने वाला कचरा है, इससे हम खाद बना सकते हैं। इसमें मुख्यतः पेड़ों की पत्तियां होती हैं, फूल, टहनियां, खेत में फसलों के अवशेष। आप सभी लोग कभी गांव गए होंगे, आप लोगों को पता ही होगा कि जो फसलें हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं, दलहन की फसलें, ये सब काटने के बाद जो उनकी जड़ें होती हैं वो खेत में रह जाते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। बहुत अधिक मात्रा में ये निकलता है। जानवरों के मलमूत्र, कीटनाशक, फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव होता है, रासायनिक खाद भी दिया जाता है, ये सब चीजें आगे चल के हमें काफी समस्या खड़ी कर सकती है। कीटनाशक और जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है खेतों में, यह जल प्रदूषण करता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इससे तो हम सभी अवगत हैं। पहले लोगों की टीवी खराब होती थी तब जाके वो नया टेलीविजन लाते थे, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। बड़ी टीवी के बाद एलसीडी है, एलसीडी से अब एलईडी हो गया है, एलईडी के बाद स्मार्ट टीवी हो गया है, तो हम लगातार अपनी टीवी को चेंज करते जा रहे हैं। और ऐसा करने वाले हम अकेले नहीं है, पूरे विश्व के लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये जो टीवियां निकाली जा रही हैं जो वापस से यूज नहीं हो रही हैं, ये सब इसे हम ई कचरा कहते हैं। मोबाइल रेगुलर चेंज किया जा रहा है, 6 महीने में, 1 साल में सभी लोग कर रहे हैं। और मोबाइल से जुड़ी जो एसेसरीज है, जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, पावर बैंक है, ईयरफोन है, ब्लूटूथ है, ये सारी चीजें अनलिमिटेड बहुत अधिक मात्रा में प्रकृति में फेंकी जा रही है, निकाली जा रही है। कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम, जो भी तंत्र इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से चलती है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कचरे में आते हैं। मिक्सर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, गीजर, फ्रिज इत्यादि। जैव वैद्यकीय कचरा, कोरोना पीरियड चल रहा है इस वक्त, हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। हमारे आसपास जो डिस्पेंसरीज हैं, छोटे छोटे जो क्लिनिक्स होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स, छोटे हॉस्पिटल्स, रक्त बैंक, पैथोलॉजी, प्रयोगशाला, इन सब जगहों पर जो बैंडेज यूज किया जाता है, सब इन्फेक्टेड होता है। ड्रेसिंग, रुई, सुई, शरीर के कटे हुए भाग जो हॉस्पिटल से निकलते हैं, यदि किसी के पैर में पॉइजन हो गया है या फिर वो किसी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसे काट दिया जाता है, वो सारे भाग, ब्लड, सलाइन की बोतलें, दवाइयां, दवाइयों के रैपर्स, पुरानी दवाइयों की बोतलें, बर्फ नलियां जो मोस्टली प्रयोगशाला में यूज की जाती हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट में निकाली जा रही हैं। और आज के समय में तो बहुत सारे पीपीई किट आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट्स का इलाज जो है पीपीई किट पहनकर करते हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में निकाली जा रही है हॉस्पिटल से। शहर का कचरा, इसमें बहुत कुछ आ गया, हमारे घर से लेकर दुकानें, सब्जी मंडी, मार्केट वगैरह, ये सब चीजें, ये सब स्थान जो है शहर में आते हैं। और हर एक प्रकार की, इसके पहले हम जितनी भी चीजें पढ़ चुके हैं, जितने भी ठोस कचरा के बारे में हमने देखा कहाँ से कितने कचरे निकल रहे हैं, वो सब शहर के कचरे में इंक्लूडेड है। आण्विक कचरा, हमारा देश विकासशील देश है, बहुत सारे कारखाने, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हमारे यहाँ पर खुले हुए हैं और वहां पर लगातार कार्य हो रहा है, जिसमें परमाणु विद्युत केंद्र, यूरेनियम की खदान, यूरेनियम जो है यह एक रेडियोधर्मी तत्व है,
परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु अस्त्र की जांच करने का स्थान और वहां से निकलने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ, एग्जाम्पल के लिए सेंशियम, सीरियम, स्ट्रेंशियम 90, सीरियम 141 तथा बेरियम 140, ये सब रेडियो सक्रिय तत्व हैं जो वहां से निकलते हैं और ये सब धोखादायक कचरा है। और इस प्रक्रिया में जो पानी निकलता है, यूज किया जाता है पानी, वह सब भारी हो जाता है क्योंकि उसमें मिनरल्स और रेडियो सक्रिय तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है। खनिज कचरा, खनिज कचरा प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं उसमें एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, हम अपने घर में बहुत सारी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं जिसमें इन सब तत्वों से बनी हुई वस्तुएं हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति में यह सब अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है, इसे शुद्ध करने के लिए इसका निष्कर्षण किया जाता है और इस निष्कर्षण की प्रक्रिया में सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम जैसी भारी धातुओं का निर्माण होता है। ये अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जो खदान खनिज निष्कर्षण स्थान से निकाले जाते हैं। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि ये सारा जो कचरा हमारे शहर से अलग अलग स्थानों से जो निकाला गया है उसका वर्गीकरण किया जा रहा है। अगर इस तरह वर्गीकरण किया जाए तो रोज 5000 टन कचरों का वर्गीकरण करना ये बहुत ही नामुमकिन कार्य है। इसीलिए हमारा फर्ज ये बनता है कि अगर हमारे आसपास ऐसे कुछ कूड़ादान लगा हो जिसमें अलग अलग नाम लिखा हो वर्गीकरण के लिए, कांच, धातु, प्लास्टिक, कपड़ा, कागज वगैरह, तो हम उसमें इस तरह से डाल सकते हैं ताकि हम दूसरे लोग जो यह कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो लोग यह कार्य कर रहे हैं वो कितने डेंजर पोजिशन में है। डेंजर पोजिशन इन द सेंस ये डायरेक्ट डील कर रहे हैं बीमारियों से। अभी तक जो शीर्षक के अंडर में हम जितने प्रकार के कचरों के बारे में पढ़ रहे हैं उन्हें हम दो समूह में विभाजित कर सकते हैं, विघटनशील कचरा और अविघटनशील कचरा। विघटनशील कचरा किसे कहते हैं? वह कचरा जो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो सके और पुनः प्रकृति में भेजा जा सके। ये कचरा हमें घर से, खेतों से, बगीचों से मुख्यतः प्राप्त होता है। यह कार्बनिक रूप में होता है, इसे हम गीला कचरा कहते हैं, गीला ठोस कचरा। इसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं जिससे हमें खाद और ईंधन प्राप्त हो सकता है। हमारे शहरों में जैव ईंधन निर्मित प्रकल्प शुरू किए गए हैं जिसमें इन प्रकार के कचरों का इस्तेमाल करके खाद और ईंधन अवेलेबल कराया जा रहा है। अविघटनशील कचरा वह कचरा है जो आसानी से विघटित नहीं होता, इसके विघटन के लिए बहुत अधिक समय लगता है और कभी कभी तो इसे इसका विघटन करने के लिए हमें तंत्रों का उपयोग करना पड़ता है जो कि बहुत ही महंगा होता है। अविघटनशील कचरा हमें औद्योगिक कचरा, धोखादायक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और जैव वैद्यकीय आण्विक तथा खनिज कचरा से प्राप्त होता है। इसका वर्गीकरण अगर हम करें तो हम इसमें से जो चीजें हमें मिल सकती हैं जैसे कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु आदि का उपयोग, पुनः उपयोग हम कर सकते हैं। ये टॉपिक जो छोटा सा था जिसमें ढेर सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, इस पर आधारित कुछ गृह कार्य मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है जिसे आपको करना है, जिसमें से 1-4 जो क्वेश्चंस है ये आपको स्मॉल आंसर्स है, 5 और 6 एक्टिविटी बेस्ड आंसर है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है ठोस कचरे का अर्थ क्या है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है आप लोगों को ठोस कचरा किसे कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है ठोस कचरे में किन किन घटकों का समावेश होता है। थर्ड क्वेश्चन है विघटनशील ठोस कचरे का पुनर्चक्रीकरण क्यों आवश्यक है। फोर्थ क्वेश्चन सूखे ठोस कचरे में किन किन पदार्थों का समावेश होता है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिस्कशन अभी हुआ है, जो जानकारी आपको दी गई है उस पर आधारित, अगर आप उसे एक बार और रीड करें, ये पीडीएफ में शेयर करूंगी, तो आप ये क्वेश्चंस के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। पांचवा और छठा क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें आपको फिफ्थ क्वेश्चन में आपके परिसर में जो भी अनुपयोगी पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं उसकी सूची बनाएं और उसे उसका वर्गीकरण कीजिए कि वो विघटनशील है या अविघटनशील है, उससे कुछ हम नया बना सकते हैं या फिर उसका कुछ उपयोग किया जा सकता है या फिर वो विषैला है। इस तरह से आप उसकी सारणी बनाएं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं और ये एक्टिविटी कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई है जिसे कोई क्वेश्चन है? यस सुमित बोलिए। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। विघटनशील कचरा किसे कहते हैं? ओके, विघटनशील कचरा वह कचरा है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित किया जा सकता है, जैसे कागज, सड़ने वाली चीजें जो सड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि बगीचों में या फिर किसी पेड़ के नीचे अगर पत्तियां गिर जाती हैं, फल गिर जाते हैं, तो 2-3 दिन के बाद वो हमें दिखाई नहीं देता है। कहाँ जाता है वो? वो सड़ जाता है, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका विघटन हो जाता है और वह मिट्टी में मिल जाता है। और कुछ पूछना है? No, आरती, आरती बोलो। हेलो मैम। यस बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ये धोखेदार कचरा यानी क्या? धोखेदार कचरा वो कचरा है जो हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है जेनेटिक लेवल पे। तुमने सुना होगा कि कुछ जगहों पर जहाँ पर माइनिंग का काम होता है या फिर परमाणु अनुसंधान केंद्र है, वहाँ के लोगों में जेनेटिक लेवल पर कुछ डिजीज पाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही आसानी से किसी को श्वास का कैंसर हो जाता है या फिर कोई बच्चे जो पैदा होते हैं वो विकलांग होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इससे रेडियो सक्रिय तत्व जो धोखादायक कचरा में जो रेडियो सक्रिय तत्व पाया जाता है उससे अल्फा बीटा गैमा ऐसे विकिरण निकलते हैं जो हमारे गुणसूत्रों की संख्या को कम या ज्यादा करने की ताकत रखते हैं, जिसकी वजह से हमें जेनेटिक लेवल पर बीमारियां होती हैं। समझ आया है? हाँ मैम, थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई है? हेलो हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो टीचर, खनिज कचरा किसे कहते हैं? खनिज कचरा किसे कहते हैं? खनिज कचरा, वहां तक जाने से पहले तुम्हारे घर में बहुत सारे चीजें तुम इस्तेमाल करते हो जो एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, तांबे से, पीतल से, है तुम्हारे घर में ऐसी चीजें? है? यस टीचर। होंगी। ओके, तो ये सब जो तत्व है ये अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं प्रकृति में, उसको शुद्ध किया जाता है। खनिज का निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब उसे शुद्ध करके उसका बर्तन या फिर कोई भी वस्तु बनाई जाती है। तो ये जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है, ऐसा करते समय एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब प्राप्त करते समय जो अनुपयोगी पदार्थ हमें प्राप्त होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है, उसे हम खनिज कचरा कहते हैं। और कोई? थैंक यू टीचर। कौन बोल रहा है आज? आचल, सनी, कौन है? अनुपयोगी कचरा किसे कहते हैं? सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलिए। कचरे का निर्माण कैसा होता है उसको? हेलो, कचरे का निर्माण कैसे होता है? औद्योगिक कचरे का।
औद्योगिक कचरे का। अच्छा, कारखानों के बारे में सुना होगा तुमने, किसी कारखाने के बारे में जानते हो? कोई एक कारखाने का नाम बता सकते हो? प्लास्टिक का कारखाना सुना होगा, प्लास्टिक की थैलियां तो यूज करते हो ना? हाँ, तो ये एक प्रकार का उद्योग है, ठीक है, कारखाना होता है। प्लास्टिक एक पॉलीमर है जिसे बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक तो हमें मिल जाता है, लेकिन वो बनाते समय कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, अनुपयोगी पदार्थ निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे कारखाने हैं, शुगर की फैक्ट्री है, प्लास्टिक का कारखाना है, या फिर कोई मेटल का कारखाना हो सकता है जहाँ पर मेटल की वस्तुएं बनती है। लड़कियां जो ज्वेलरीज पहनती है, इमिटेशन ज्वेलरीज जो पहनती है, उसका कारखाना हो गया। तो ऐसे जगहों से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उस सबको हम औद्योगिक कचरा कहते हैं। उद्योग धंधों से निकलने वाले, कारखानों से निकलने वाले कचरों को हम औद्योगिक कचरा कहते हैं। और कोई टीचर? हाँ बोलो आचल। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। शहरी कचरा यानी क्या होता है टीचर? कौन सा कचरा? शहरी कचरा। शहरी कचरा, ओके। मुंबई शहर है ना? यस टीचर। अच्छा, हमारे आसपास सब्जी मंडी होगी, मार्केट होंगे जहाँ पे बहुत भीड़ लगता होगा। कभी तुमने अगर विजिट किया होगा तो तुम्हें पता होगा, तुम्हारे आसपास जो गवर्नमेंट द्वारा बिठाया गया कूड़ादान है बड़ा बड़ा, वो कभी खाली दिखता है तुम्हें? नो टीचर। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कचरा भरा हुआ होता है। तो ये शहर के अंदर, चाहे वो कारखाना हो, घर हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, सब जगह से जो कचरा यहाँ पर निकलता है वो सब शहरी कचरा होता है, शहर से निकलने वाले कचरे। अब शहर में क्या क्या हो सकता है ये तो हमें पता ही है, ठीक है? ओके, बोलो अमित। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो टीचर, आणविक कचरा क्या होता है? आणविक कचरा, ओके, एटॉमिक वेस्ट, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक वेस्ट। परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ा है तुमने या फिर जानते हो? परमाणु बम के बारे में जानते हो? प्रक्षेपण के बारे में जानते हो? कुछ पढ़ा है, रॉकेट प्रक्षेपण वगैरह, परमाणु बम, शस्त्र पढ़ा है, कुछ जानते हो? बताओ, अगर तुम जानते हो तो तुम्हें समझने में बहुत आसानी होगी। ये जो स्थान होता है ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, जहां पर एटॉमिक लेवल पर काम किया जाता है, शस्त्र बनाए जाते हैं, रिसर्च सेंटर होता है जहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थों के साथ अभिक्रियाएं की जाती हैं। यहां से जो अनुपयोगी पदार्थ निकलते हैं उसे हम आणविक कचरा कहते हैं। ये परमाणु लेवल पर होता है। ओके, नेक्स्ट, और कोई है? धीरज सर, आज का लेसन काफी अच्छे से हो गया है और बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है, उन्हें समझ आया है, उनके डाउट्स भी क्लियर किए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।